जनता पार्टी का कि लगता था बीजेपी के कार्यकर्ता छोटे छोटे कामों के लिए बड़े बड़े कामों के लिए संघर्ष करके कैसे जनता के लिए कराते हैं। अभी आया महापौर के लिए आता भी है, लेकिन ये नहीं जिसको पार्टी के कार्यकर्ता को मिले मिले, हम तो सबको लड़ाने वाले हैं। ये बातें दूसरों दलों में नहीं आती। मैं आज जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और मैं समझता हूं कार्यालय का उद्घाटन केवल उद्घाटन नहीं होता, इस बात का प्रतीक होता है कि हमारा चुनाव का परिणाम क्या आना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज देश का पूरा परिदृश्य बड़ी तेजी के साथ में बदल रहा है, और जो विपक्षी है, कभी कभी होता क्या ना, वो खरगोश वाली और चूहे वाली कछुए वाली चाल की लोग कहानी सुनाते हैं। ये बात सही है कि आज समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस में तो तीन तीन प्रत्याशी तय कर दिए थे, क्योंकि कोई प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम सबके मार्गदर्शक और जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने पूरे लखनऊ का पूरे प्रदेश का काम किया है, माननीय लालजी टंडन जी का आशीर्वाद हम सबको यहां मिलने वाला है। हम लोग खड़े होकर कल कल लोग से उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ने सारी परिस्थितियों को देखा है, और सारी परिस्थितियों के बाद में उतार चढ़ाव को देखा है। मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा था कि माननीय टंडन जी पार्षद बने, विधायक बने, सांसद बने, विधान परिषद सदस्य बने, मंत्री बने, और राम प्रकाश जी पार्षद बने, उप महापौर बने, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने। ये सीढ़ी है स्थानीय निकाय, ये सरकार जो है ये सीढ़ी है आगे जाने की। और एक चीज आपको सब जगह कहना है, कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं नीचे तो हमारा, नीचे तो हम लड़ रहे हैं, ऊपर आप लड़ेंगे। नहीं, हमको ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। अटल जी अपने एक भाषण में बोल रहे थे कपूरथला में, संभवता उनका वो भाषण के तौर पे वो अंतिम भाषण था, और वो चुनाव मेरा था, कपूरथला पे आए थे, और उन्होंने सीधे सीधे खड़े होकर कहा कि लोकसभा में आपने मुझे भेज दिया, और लोकसभा भेज दिया उसके बाद अपने कुर्ते को दिखाकर उन्होंने कहा ये लोकसभा है, और नीचे उन्होंने कहा कि ये धोती या कुर्ता ये पैजामा अगर ना हो तो कैसा होगा। लोगों ने कहा नहीं, कुर्ता पहने तो पैजामा होना चाहिए। बोले अगर कुर्ता के साथ पैजामा होना चाहिए तो लोकसभा के साथ नगर निगम भी होना चाहिए। तो आज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा आपने जिताया, विधानसभा आपने जिताया, आपका परिश्रम अगर नगर निकाय में हमारे अप्रत्याशित एक अभूतपूर्व विजय दिलाता है तो निश्चित मानो कि जो केंद्र का कार्य है, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, मेरे पार्षदों के, मेरे मेरे जो अन्य महापौर उनके दिल जानते होंगे, एक एक काम कराने में अंगा होता था। प्रदेश सरकार जो केंद्र सरकार अभी जो आवास का भेज रही थी, कुल पूरे सरकार ने जो पहले वाली सरकार थी 7000 आवास बनाए थे, केंद्र सरकार का पैसा आया उसको दिए नहीं, और वर्तमान सरकार की कुल 7 महीने हुआ है, और 7 महीने में लगभग 2 लाख से ऊपर मकानों को बना के दिया जा चुका है। ये अंतर है दोनों में काम करने में। और वर्तमान सरकार अगर पहले होती तो स्वच्छता के मामले शौचालय के लिए पैसा केंद्र सरकार भेज चुका था, शौचालय का पैसा यहां से गया ही नहीं। कभी कभी लोग भ्रम डालने के लिए बोलेंगे, पूरा लखनऊ का नंबर 7वां था पूरे देश में सफाई के मामले में, और शौचालय का निर्माण होगा तो उसके 80 नंबर थे उसमें जो स्वच्छता के लिए जा रहे थे। एक भी शौचालय नहीं बनने दिया गया क्योंकि केंद्र का पैसा ही नहीं दिया राज्य सरकार ने। और 3 महीने के बाद सर्वेक्षण हुआ तो 269वें नंबर पर लखनऊ आ गया क्योंकि शौचालय नहीं थे यहां पर। विभिन्न परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया है। कोई पैसा आ रहा है सीधे वहां के, क्योंकि विधायक भी वहीं के थे, उनके खाते में चला रहा है, वो जहां कहेंगे वहां पर काम होगा। एक एक चीज पर अड़चन आती थी, इसलिए हम कहेंगे कि सौभाग्यशाली आप सब लोग हो। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी स्वभाव से ही नहीं, नाम से नहीं संयुक्ता है, इनमें मैंने ममत्व देखा है, इनमें मैंने संगठन की शक्ति देखी है, इनमें सबको साथ में